किचन ड्यूटी को लेकर निशांत और मायशा में हुई बड़ी बहस। प्रतीक ने दिया मायशा का साथ। जी हाँ, तो क्या है पूरी खबर, चलिए हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। वेल, बिग बॉस के घर के अंदर मायशा और निशांत के बीच हो गई है बड़ी बहस, जिस दौरान घर का माहौल हो गया है गरम। जी हाँ, दरअसल घर में चॉपिंग को लेकर निशांत और मायशा के बीच जमकर बहस हुई, जहाँ निशांत मायशा को अपनी चॉपिंग की ड्यूटी टाइम पर करने को कह रहे थे, लेकिन मायशा का कहना था कि उन्होंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है, ऐसे में वो सुबह से भूखी हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि घर में चॉपिंग की ड्यूटी मायशा और ईशान की है, जहाँ नाश्ते और खाने की चॉपिंग उन्हें ही करनी होती है। वहीं दूसरी ओर खाने की ड्यूटी निशांत की है, ऐसे में चॉपिंग लेट होने की वजह से निशांत टाइम पर खाना नहीं बना पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने मायशा को कहा कि वो अपनी चॉपिंग की ड्यूटी टाइम पर करें। वहीं मायशा का कहना था कि उन्होंने सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया है, ऐसे में वो ब्रेकफास्ट के लिए बीच में थोड़ा टाइम तो ले सकती हैं। जी हाँ, इस बात को लेकर निशांत मायशा से भिड़ गए और उनका कहना था कि घर वाले अगर बोलेंगे कि खाना लेट हो रहा है तो उनको आप ही जवाब दीजिएगा। यहाँ पर निशांत और मायशा का झगड़ा देखकर प्रतीक बीच में आ गए और उन्होंने निशांत को समझाने की कोशिश की कि चॉपिंग के बीच में मायशा और ईशांत 10 मिनट का ब्रेक लेकर नाश्ता कर फिर से अपनी चॉपिंग की ड्यूटी दोबारा कर सकते हैं। जी हाँ, तो आपका क्या कहना है निशांत और मायशा की इस पर, बताइएगा जरूर हमें कॉमेंट सेक्शन में। और इसी तरह की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।